बच्चे जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है द नेम ऑफ द पोम इज द वाइट विंडो और ये जेम्स स्टेफ़न ने राइट की है ठीक है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से सो लेट्स गेट स्टार्ट द मून कम्स एवरी नाइट टू पीप पीप का होता है झलक झलक दिखलाना ठीक है जो मून है वो हर रात को इस विंडो में से दिखाई देता है वो पोएट ये बोल रहा है ठीक है थ्रू द विंडो वे आलाई थ्रू द विंडो आर वेलाइट वहाँ से दिखता है जहाँ पे मैं लेटा हुआ होता हूँ या लेटी हुई होती हूँ ठीक है बट आई प्रिटेंड टू बी अ स्लीप लेकिन मैं उसे प्रिटेंड करता हूँ या करती हूँ प्रिटेंड मतलब दिखाना टू बी अ स्लीप कि मैं सो गई हूँ एंड वॉच द मून गो स्लोली बाय और मैं मून को वॉच करती हूँ कि जैसे जैसे वो धीरे धीरे चलता है ठीक है एंड शी नेवर मेक्स अ साउंड और वो कोई भी साउंड नहीं करती वो अपने बारे में बता रही कि वो कोई साउंड नहीं करती जब वो मून चलता है ठीक है शी स्टैंड एंड स्टेर स्टेयर का मतलब होता है देखना वो सिर्फ देखती रहती है उसे एंड देन शी गोस और चली जाती है टू द नेक्स्ट हाउस टू मी और वो नेक्स्ट घर में चला जाता है कौन मून स्टीलिंग ऑन माइ टी पीटोस टू पीप एट द फो असलीप मे बी एंड शी नेवर मेक अ साउंड और वो धीरे धीरे से जाती है और फिर उसके बाद वो जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती जेम्स कह रही है कि मैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती और मून चुपचाप अगली विंडो पे चला जाता है ठीक है बच्चे इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दी हुई है द स्पीकर से इज द मून पीप्स टू द विंडो अभी इसमें विंडो आएगा ठीक है द स्पीकर प्रटेंड टू बी अ स्लीप स्पीकर है क्या आप करिए कि वो सो गई है द मून गोज टू द नेक्स्ट हाउस मून कहाँ जा रहा है नेक्स्ट हाउस में जा रहा है द मून पर हैप्स पीप्स एट द स्टीलिंग स्लीपिंग पीपल ठीक है पीप करता है वो दिखता है जो बच्चे सो रहे होते हैं या जो लोग सो रहे होते हैं द मून स्लोली वॉक स्लोली एंड शी नेवर मिक्स अ साउंड और ना ही वो कोई शोर मचाती है उसके बाद बेटा राइमिंग वर्ड्स हैं या आप कुछ भी कर सकते हैं ठीक है थीक्या? उसके बाद आपको यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आपको कुछ ऐड ऑन करके एक नया वर्ड बनाना है और यहाँ पर आपको हिंस दे रखें जैसे ग्रेन ऑफ रॉक्स तो वो सैंड हो जाता है स्मॉल बिल्डिंग यहाँ पे एस ई एस एच ई डी लगा देंगे तो शेड बन जाएगा ऑन मेल साइड को हम सन बोलते हैं एस सन टी ओ अटोस पिंस ऑन इट्स पॉइंट जिस जो लट्टू बोलते हो आप उसको टॉप बोलते हैं ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट द वाइट विंडो आई होप सो आप क्लियर हो गई होगी वाइट विंडो अगर नहीं हुई तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट कीजिए नीचे मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी ठीक है सो दैट्स ऑल बाय